वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप लोगों के PT2 के एग्ज़ाम हो गए हैं ना, तो अब हम अपना SA2 यानी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, है ना। तो अभी तक आप कहोगे हो सकता आप लोगों का अच्छा ही पेपर गया होगा, अच्छे नंबर आए होंगे। अब हम क्या करेंगे, नया पार्ट SA2 के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है उसमें पार्ट 13 यात्रा जो पूरी ना हो सकी, इसकी रीडिंग आप लोगों को करना। इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, ये नेहरू जी के बारे में है, नेहरू जी ने अपनी एक यात्रा का वर्णन इसमें किया है। तो इसकी रीडिंग आप लोगों को करना है, क्योंकि कोर्स ज़्यादा करना है इसलिए हम आपको रीडिंग नहीं कराएंगे, रीडिंग आप लोग करेंगे, इसकी एक्सरसाइज और वो हम करा देंगे। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, है ना, शब्दार्थ पिक्चर आप लोग बना लेंगे और रीडिंग करेंगे घर में। तो सब बताते कौन सी किसके बारे में ये यात्रा वर्णन है, किसने अपने अनुभव बांटे हैं इसमें, है ना। तो ये है नेहरू जी यात्रा करने गए थे, तो उनने अपनी यात्रा का वर्णन किया है उसमें, कितना रोमांचक था उनका, कितना खतरनाक था, ये सब उनने अपने उसने बताया इस यात्रा वर्णन में। कितना कष्ट हुए उनको, कितना उनने हिम्मत के साथ कितनी कितनी कठिनाइयों को सामना किया, ये नेहरू जी ने अपनी इस यात्रा वर्णन में बताया। तो इसकी आप रीडिंग आप लोग करेंगे। यात्रा करना हम सभी को अच्छा लगता है, यह एक यादगार अनुभव होता है, सब लोग हम लोग जाते हैं घूमने, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं नेहरू जी की यात्रा का वर्णन। नेहरू जी जो एक यात्रा किए थे, उनने एक पर्वतीय स्थल की यात्रा की थी, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ कश्मीर की घाटी में से उन्होंने यात्रा शुरू की थी और लद्दाख तक चले गए थे, तो उसके बारे में इन्हें बताया, है ना। तो ये रीडिंग ये आपको करना है। अब हम सब ये रीडिंग आप लोग कर लेंगे। हम अब फिर इसके बाद रीडिंग करने के बाद आपको सबसे पहले वो पार्ट का नाम, वो डेट और तो सब डालना ही है ना, और ये जो नेहरू जी की पिक्चर बना लेना है, छोटी सी पिक्चर बना लेंगे नेहरू जी की, है ना, ये वाली पिक्चर बना लेंगे। और शब्दार्थ लिख लेंगे, शब्द और अर्थ जानते हैं आप लोग, है ना। लाइन बीच में ज़रूर खींचा करें, आप लोग एग्ज़ाम में भी नहीं खींचते हैं, लाइन ज़रूर खींचा करें बीच में, जिससे सेपरेट हो जाते हैं शब्द अलग अर्थ अलग। फिर शब्द लिख दें एक तरफ, अर्थ लिख दें, शब्द के नीचे शब्द लिखें, अर्थ के नीचे अर्थ लिखें, तब सुंदर भी दिखता है ना। तो ये शब्दार्थ हो जाएंगे, आपकी पिक्चर हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे, ये विकल्प भी हम कराएंगे। देखिए, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। नेहरू जी ने अपने विवाह के पश्चात कुछ महीने कहाँ बिताए, कश्मीर में बिताए, नैनीताल में बिताए, मसूरी में बिताए। तो नेहरू जी ने कुछ महीने कश्मीर में बिताए थे, ठीक है। तो पहले का हुआ कश्मीर, अब दूसरा है सरोवर को पार कर गुफा तक जाने का रास्ता लगभग कितने मील था, सरोवर से गुफा तक जाने का रास्ता कितने मील था, आधा मील, डेढ़ मील, ढाई मील, आधा मील, आधा मील था हमें लगता है। देखो यहाँ सरोवर से सरोवर से गुफा तक जाने का आधा ही मिली है वैसे, सरोवर से गुफा जाने का रास्ता आधा मील ही है वैसे, और आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा, मिल नहीं रहा है। हाँ, ये सरोवर जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था, हाँ तो आधा मील है ना। नेहरू जी किसके साथ पहाड़ों में घूमते रहे, अपने चचेरे भाई, ममेरे भाई, मौसेरे भाई, कौन से भाई के साथ घूमते रहे, चचेरे भाई के साथ, ठीक है। तो पहला हुआ कश्मीर, दूसरा हुआ आधा मील, और तीसरा हुआ चचेरे भाई। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, पहले आप ये लिखेंगे, फिर मौखिक लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे, है ना, तीन लाइन में करेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। और उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के लाइन खींचना, ये तो आपको मालूम ही है ना, अब तो अंतिम परीक्षा आ गई अपनी, तो आपको अच्छे से पता ही पड़ गया हुआ है ना। मटायन से अमरनाथ की गुफा कितने मील दूर थी,
मटायन से अमरनाथ की गुफा 8 मील दूर थी। ये 8 लिखा हुआ है, इसमें लिख लिया बच्चे। तो ये 8 मील दूर थी मटायन से, ये लिखा है मटायन कहलाती, मटायन से अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है, ठीक है। दूसरा, रास्ता दिखाने के लिए नेहरू जी के साथ कौन था? नेहरू जी नई नई जगह गए थे तो कोई रास्ता दिखाने वाला मिलता है ना, तो नेहरू जी के साथ एक गड़रिया था। गड़रिया मतलब बकरी चराने वाला। देखो ये देखो, रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहीं रहने वाला एक गड़रिया था। गड़रिया, गड़रिया मतलब भेड़ बकरी चराने वाला, ठीक है। नेहरू जी के दल ने बर्फीली नदियों को कैसे पार किया? ये इसका उत्तर बड़ा है, इसका हम आप लोगों को निशान लगा देते हैं। नेहरू जी ने रस्सियों की सांकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हम लोगों ने बर्फीली नदियों को पार किया, है ना। ऐसे ही बंधे हुए हम लोगों ने बर्फीली नदियों को पार किया, इस तरह से इसका उत्तर होगा। बर्फीली नदियों को नेहरू जी ने कैसे पार किया? पेन नहीं मिल रहा है। तो इसका कहाँ उत्तर? पेज नंबर 106 में, पेज नंबर 106 में, ये पेज नंबर 106 की ये अंतिम पैराग्राफ जो है यहाँ पर, नेहरू जी ने बर्फीली नदियों को कैसे पार किया। तो ऊपर ये हम लोगों की जगह क्या लिख लेंगे आप? नेहरू जी ने रस्सियों की सांकल बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने बर्फीली नदियों को पार किया, ठीक है। ये हो गया इसका उत्तर, पेज नंबर 106 में है, मौखिक के तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को क्या मुश्किलें आईं? हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को क्या मुश्किलें आईं? देखो, नेहरू जी को हिम सरोवर तक पहुंचने में सांस लेने में कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वाले लोगों में से कुछ लोगों के मुंह से खून निकलने लगा। बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। ये देखो, हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी व साथियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। कुछ लोगों के मुंह से खून निकलने लगा और यहीं से लिखोगे इसको प्रश्न में से लेंगे। हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यहाँ से सांस लेने में कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, या केवल सांस लेने में कठिनाई होने लगी, फिर कुछ के मुंह से खून निकलने लगा और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रपटीली हो गईं। ऐसे लिखेंगे तब सही बन जाएगा। कैसे? पर प्रश्न में से लेंगे पहले, हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। कुछ के मुंह से खून निकलने लगा और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गईं। बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गईं। इस तरह बना के लिखना पड़ेगा आप लोगों को इसका उत्तर, है ना। कैसे? फिर एक बार बता रहे हैं। देखो, यहाँ से लगाएंगे, प्रश्न में से लेंगे नेहरू जी, प्रश्न में से लेंगे हिम सरोवर तक पहुँचने में नेहरू जी को, यहाँ तक लिया, नेहरू जी को सांस लेने में, यहाँ से फिर लगाएंगे, सांस लेने में कठिनाई होने लगी है, और कठिनाई होने लगी तक लगाया, फिर कुछ के मुंह से खून निकलने लगा और कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, यहाँ तक, फिर बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रपटीली हो गईं, यहाँ तक बस है। 3 ही लाइन का है लेकिन काट काट के लिखेंगे आप, है ना। तो इसका उत्तर ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, हिम सरोवर का दृश्य कैसा था?
हिम सरोवर का दृश्य कैसा था? वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो। बस यहाँ तक है ना। कैसे लिखना है? इतना ही लिखना है। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ थीं मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। यहाँ तक लगा है, ठीक है, हिम सरोवर का दृश्य। अब है नेहरू जी को क्या धोखा हुआ? ये देखो, यहाँ है इसका उत्तर, यहाँ। इसको बना के लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? बना के कैसे लिखेंगे? हिम सरोवर तक जाने में नेहरू जी को क्या धोखा हुआ? इसका उत्तर ऐसे बना के लिखना पड़ेगा। नेहरू जी को क्या धोखा हुआ? पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय दरारें बहुत चौड़ी थीं, उनके ऊपर बर्फ जमी थी। नेहरू जी को धोखा हुआ कि मार्ग समतल है, तो उन्होंने वहाँ पैर रख दिया उसके ऊपर, लेकिन तो पैर रखा वह नीचे खिसक गई और धम्म से मैं एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी, कोई भी चीज़ उसमें, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया, मतलब हाथ में रस्सी बांध के चले। तो इसको बना के लिखना पड़ेगा। नेहरू जी को धोखा थोड़ा सा तो लिखेंगे आप। पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय दरारें बहुत चौड़ी थी, है ना, और नेहरू जी को धोखा हुआ कि दरारें छोटी हैं। नेहरू जी को धोखा हुआ नहीं, पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय दरारें बहुत चौड़ी थी और उनके ऊपर बर्फ जम गई थी। तो ऐसा लगा नेहरू जी को धोखा हुआ कि मार्ग समतल है, बराबर है, है ना। तो उन्होंने जैसे ही उन पर पैर रखा तो वो नीचे चले गए, धस गई। नेहरू जी नीचे चले गए, खाई में चले गए, लेकिन उनके हाथ रस्सियों से बंधे थे इसलिए वो लटक गए और ऊपर खींच लिए गए। आया समझ में? कैसे लिखेंगे? पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय दरारें बहुत चौड़ी थी और कुछ के ऊपर बर्फ जमी हुई थी, हैं। नेहरू जी को धोखा हुआ कि मार्ग समतल है और उस पर पैर रखते ही नेहरू जी खाई में चले गए, लेकिन रस्सी से बंधे होने के कारण वो नीचे नहीं गए और ऊपर खींच लिए गए। इस तरह से लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है, गुफा तक जाते समय नेहरू जी के साथ क्या दुर्घटना घटी? गुफा तक जाते समय नेहरू जी समतल रास्ते के धोखे में दरार के अंदर चले गए, क्या दुर्घटना घटी? यही है, ये ऐसा ही प्रश्न जैसा ये ऊपर वाला उत्तर है ना, उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि धोखे में तो न रख दिया था। गुफा तक जाते समय नेहरू जी समतल रास्ते के धोखे में दरार के अंदर चले गए, ये दुर्घटना घटी थी। कैसे लिखेंगे? गुफा तक जाते समय नेहरू जी समतल रास्ते के धोखे में दरार के अंदर चले गए। हाँ, इसको भी बना के ऐसा ही लिखना पड़ेगा जैसे हमने बनाया है। तो क्या है? गुफा तक जाते समय नेहरू जी समतल मार्ग के धोखे में दरार के अंदर चले गए, ये दुर्घटना घटी थी। हो गया? तो ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए, ठीक है। तो ये कर लेंगे ना आप लोग। अब ये पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। पाठांश तो अपठित गद्यांश जैसे आता है ना, वही चीज़ है ये। इसको पढ़ेंगे और उसके इसमें से उत्तर दे रखे होंगे, इसमें से प्रश्न बनाए गए हैं, तो आपको इसके उत्तर लिखने हैं। जैसे देखो,
हिम सरोवर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ थी, मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताज़ा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आँख से ओझल कर दिया था। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे। कहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था? हिम सरोवर का दृश्य बहुत सुंदर था। पहला उत्तर, हिम सरोवर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। ठीक है, पर्वत चोटियाँ कैसी लग रही थी? ऐसी लग रही पर्वत चोटियाँ थी, मानो देवताओं के का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। पर्वत चोटियाँ ऐसी लग रही थी मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। ठीक है, तीसरा है, दृश्य आँखों से ओझल कैसे हो गया? ताज़ा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आँखों से ओझल कर दिया। सुंदर दृश्य था ये, फिर उस पर बर्फ गिर गई और कोहरा हो गया, इसलिए ये दृश्य गायब हो गया, ओझल हो गया, है ना? तो कहाँ तक होगा? ताज़ा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र इस दृश्य को हमारी आँख से ओझल कर दिया। तो इसका प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना पड़े तो कैसे करेंगे? दृश्य आँखों से कैसे ओझल हो गया? ताज़ा बर्फ और कोहरे के कारण यह दृश्य हमारी आँखों से ओझल हो गया। ऐसे ही इस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये अपठित जो गद्यांश आता है ना, इसी तरह से आता है ये। ये तो आपका पढ़ा हुआ है, अपठित गद्यांश तो बिना पढ़ा हुआ कहीं से भी आ सकता है, पीछे के पाठों से आ सकता है ना, उसके प्रश्नों के उत्तर उसी में दे रखे होते हैं, तो उसमें से छांटना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब है गड़रिया रास्ता दिखा रहा था, इस कुछ काम हो रहा है, उसे करने वाला है गड़रिया। इस वाक्य में गड़रिया करता है, प्रत्येक वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब इसमें निम्न दिए गए वाक्यों में कर्ता को रेखांकित करो, काम करने वाले को। नेहरू जी संभलकर चल रहे थे, कौन चल रहे थे? नेहरू जी, तो नेहरू जी के नीचे लाइन खींचो। लोग साकल पकड़कर चल रहे थे, कौन? लोग, तो लोग के नीचे लाइन खींचो। प्रधानमंत्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे, कौन? प्रधानमंत्री। निहारिका पत्र लिखने लगी, कौन? निहारिका, तो निहारिका, प्रधानमंत्री, लोग और नेहरू जी, ये कर्ता है इस पाठ इन वाक्यों में। अब ऐसे दो वाक्य स्वयं लिखो जिसमें कर्ता कोई काम कर रहा है, जैसे राम बाजार जा रहा है, राधा कविता लिख रही है, तो राम और राधा, है ना, कोई काम कर रहा है, है ना। दिए गए वर्णों से शब्द लिखो, अब इनसे शब्द बनाना है। द से डेरा, न डलिया, डमरू हैं, और शब्द लिखना है ऐसे, ड से डमरू, डलिया, डम हैं, गाड़ना, ड़ा से क्या होगा, सून ना, और क्या होगा, अड़ा से सूण है, और अड़ा के शब्द गड़रिया, है ना, गड़रिया, सूण, और अड़ा कड़क, है ना, ढकना, ढा से ढकना, ढोलक, डम डम, ढपली, चढ़ाई, ढा, चढ़ाई से क्या होगा, ढा का हुआ क्या, पढ़ाई हो गया, और क्या होगा, पढ़ाई, और ढा, चढ़ाई, पढ़ाई, और पढ़ना, इसे उड़ा के आपको शब्द इसमें से लिखना है, चढ़ाई, पढ़ाई,
और इनमें से देख लें इसमें कोई हो तो ढाका, इस तरह से आपको इसमें से शब्द छांट के लिखना है। ढाका और कहाँ मिल ही नहीं रहा अभी कोई, उड़ा अभी तो नहीं समझ में नहीं मिल रहा है, आप लोग ढूंढ के इसमें से लिख लीजिएगा। और दो शब्द छांट कर लिख लीजिए, पढ़ाई है, पढ़ना है, चढ़ना है, इसी को कर सकते हैं। और इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया है ना। तो आपको क्या करना है अब, आपको क्या करना है मुख्य रूप से, आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ये तो आपको इसी में भर लेना है ना, उसमें पढ़ना भर लेना है। और ये भी इनके नीचे निशान लगवाई दिए हैं, ये आपको इसमें क्वेश्चन आंसर यहाँ लिखाई दिए हैं आंसर है ना, अपठित पाठ्यांश। और इसमें कोई कर्ता कोई काम कर रहा है लिख दिया, लिखिए लिखा दिए हैं आपको है ना, तो उस काम की कर्ता का नाम लिखना है, राम और राधा जो हमने बोला है ना वो कर लेंगे। कोई दूसरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, केवल काम करने वाले के नीचे अंडरलाइन करना है, या नहीं केवल वाक्य ही लिखना है, इसमें अंडरलाइन नहीं करना है, हैं। ये अपठित गद्यांश आपको करा ही दिया है, क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, तो ये आपको पाठ आपका ये तैयार हो गया। तो अब नेक्स्ट तो आपको ये करना है ना, एक चित्र नेहरू जी का बना लेना है, शब्दार्थ लिख लेना है, और इसको तो इसमें ही करना है, करा ही दिया हमने, ये क्वेश्चन आंसर मौखिक और लिखित लिख लेना। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोबारा, जबरदस्ती।